आंध्र प्रदेश की एक प्राइवेट ट्रैवल्स की चलती बस में अचानक आग लग गई। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में एक प्राइवेट ट्रैवल्स की चलती बस में अचानक आग लग गई। आग के साथ ही कसीर धुआं भी नजर आने लगा। ताहम ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस में सवार तमाम मुसाफिरीन को महफूज तौर पर बाहर निकाल दिया, जिसके नतीजे में किसी भी किस्म के जानी नुकसान या किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। इस वक्त बस में 25 मुसाफिरीन सवार थे। ये बस हैदराबाद से पुडुचेरी की सिमट जा रही थी। तमाम मुसाफिरीन को महफूज तौर पर निकालने के बावजूद इनका लगेज किसी तरह से निकाला ना जा सका, जिसके नतीजे में ये लगेज आग की जद हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड्स के अहलकारों ने वहाँ पहुँच कर आग पर काबू पाया। इस वाक़े की वजूहात मालूम करने की कोशिश की जा रही है। इस वाक़े के बाद मुसाफिरीन को दूसरी बस के जरिए इनकी मंजिल की सिमत रवाना कर दिया गया। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से अवाम की खिदमात में मसरूफ़ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब है।